ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का सोमवार स्थापना दिवस मनाया गया। बैंक की स्थापना सन 1920 में हुई थी। आज के समय में बैंक की 200 से अधिक शाखाएं हैं। प्रदेश स्तर पर कोरोना वायरस के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, जिसको बाद में मनाया जाएगा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का सोमवार स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बैंक की स्थापना सन 1920 में हुई थी। आज के समय में बैंक की 200 से अधिक शाखाएं हैं। प्रदेश स्तर पर कोरोना वायरस के कारण इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, जिसको बाद में मनाया जाएगा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक हमीरपुर के वरिष्ठ प्रबंधक राजीव शर्मा ने कहा कि आज कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का सोमवार स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया है और साथ ही ग्राहकों को बैंक के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक आज अपना सोमवार स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1920 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। आज इस बैंक की 200 से अधिक शाखाएं हैं। ये उन प्रमुख कोऑपरेटिव बैंकों में है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हुई थी और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इसका समारोह आज सभी ब्रांचों में मनाया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर इसका समारोह कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन कर दिया है, जो कि शीघ्र ही बाद में मनाया जाएगा। मैं राजीव शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक हमीरपुर शाखा में हूँ। हमारी शाखा में भी आज ये उत्सव मनाया गया। ग्राहकों को बैंक की योजनाओं के बारे में बताया गया, मिठाई बांटी गई और बैंक को सजाया गया, रोशनी का भी प्रबंध किया गया। उनको हम बता रहे हैं कि अपने हाथ जो है वो बिल्कुल साबुन से धोते रहे। हमने अपनी शाखा में भी इस चीज़ का प्रबंध किया हुआ है। बाकी हम अपने काउंटर वगैरह को भी निरंतर साफ कर रहे हैं, ताकि इस तरह से कोई वायरस ना फैले।